नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक और आप खबरों को देते हैं विस्तार। हमारे साथ नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है, हमारे साथ कार्यकर्ताओं की फौज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है। उक्त बात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी हाउस में आयोजित भाजपा विधि प्रकोष्ठ की कार्यशाला में कही। बैठक में पहुंचे विधि प्रकोष्ठ के अधिभाषकों से उन्होंने कहा कि वकील समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए वे नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को जनता को बताएं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ है, उसकी आज बैठक यहाँ आयोजित हुई। सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण यहाँ मौजूद थे, उनके साथ बैठकर इस क्षेत्र में पार्टी के काम को कैसे और बढ़ाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में विधि प्रकोष्ठ की कैसे मदद हो सकती है, इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। ग्वालियर में तैयारी बहुत अच्छी है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब ने मिलकर बड़े पैमाने पर विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर लोकसभा में अच्छे मतों से जीत दर्ज करेगी। ग्वालियर के जयारोग चिकित्सालय में इलाज के दौरान पहुंचे एक मरीज के साथ जूनियर डॉक्टर ने मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जेएच अधीक्षक ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फरियादी भागीरथ का कहना है कि उसे उल्टी की शिकायत थी, जिसके लिए वो इलाज कराने आया था, लेकिन जूनियर डॉक्टर किशान कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने मरीज पर शराब के नशे में डॉक्टरों से बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया है। सर, मुझे मैं दवाई लेने आया था और मैं डॉक्टर ने सीधे डायरेक्ट लात मार के मुझे और मुझे इनके पूरे स्टाफ ने मुझे इसमें बंद करके इतना मारा कि मेरे मुँह से सब ब्लेड सब निकल चुका मेरा, इतना मारा मेरी उंगली भी टूट गई है ये। और मैं इनसे कह रहा हूँ कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी, मैं दवाई लेने आया था, इसका लेजिए थोड़ी होकर। ये पेशेंट जो है दारू पी के दो दिन से इसके पेट में जलन हो रही है और वोमिटिंग के साथ में आया था, बोला कि मेरे ये दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है, मैं भर्ती कर दे रहा हूँ, जो भी ट्रीटमेंट है चलेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अभी मैं दो घंटे के लिए यहाँ पर रख दे रहा हूँ, कैसे अगर नहीं आराम मिलता तो मैं वार्ड भेज दूँ। बोला कि इसने बिना आराम भी भेज दोगे, हम कहे नहीं, पूरा जो ट्रीटमेंट होता है जब तक नहीं आराम मिले तब तक नहीं भेजें। लगा बदतमीजी करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे और फिर मेरा बाल पकड़ के जो है इसने खींच के मुझे मारने लगा। ये कोई मरीज आए थे यहाँ पे और मुझे जो जानकारी मिली है वो ड्रिंक किए हुए थे और किसी जूनियर डॉक्टर से विवाद हुआ है, उन्होंने उसमें लात शायद मारी है और चाटा भी शायद मारा है। जैसा मुझे बताया गया जूनियर डॉक्टर ने कहा मेरे साथ मारपीट की है, तो पुलिस आ गई थी यहाँ पे और सिक्योरिटी के लोग भी आ गए थे। विवाद को निपटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें पुलिस कार्रवाई जो भी उचित होगी वो की जाएगी कानून के हिसाब से, क्योंकि जूनियर डॉक्टर पर हाथ उठाना सरकारी काम में बाधा डालना है तो ये कानूनन मेरे ख्याल से अपराध है, और शराब पी के इस तरह से उत्पात करना भी उचित नहीं है। देखिए, अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज निकाल लें, किसकी गलती है वो सामने आ जाएगी और इसकी हम जाँच कराएँगे पूरी। और अभी हमने पुलिस, अगर इनकी गलती होती शायद पुलिस को नहीं बुलाते, पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस के सामने घटना हुई है, पुलिस थी यहाँ पर मौजूद, तो जो भी है सामने सच्चाई सामने आएगी और सीसीटीवी कैमरे से भी सच्चाई सामने आ जाएगी, किसने किसको मारा है ये भी सामने आ जाएगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने रविवार को ठाटेपुर स्थित एनआरसी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एनआरसी में भर्ती बच्चों की सही देखरेख की जाए ताकि कुपोषित बच्चों को स्वस्थ किया जा सके। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के समय प्रारंभ में ही देखरेख की बच्चे का वजन कितना है और उसका फॉलोअप किया जाए। ठाटेपुर एनआरसी पहुंचे कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बेड पर प्रतिदिन चादर बदली जाए, साथ ही पानी की टंकी की नियमित सफाई करवाएं। खानपान में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिला अस्पताल में ओपीडी के लिए आने वाले मरीजों के लिए महिला व पुरुषों की अलग अलग लाइन बनाएं ताकि किसी प्रकार की समस्या न आए, मरीजों को समय पर इलाज दिया जाए, इलाज के लिए आने वालों को यहाँ वहाँ न भटकना पड़े। ये आप जानते हैं कि पोलियो के अभिशाप से भारत को मुक्ति मिल गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ से सुरक्षित रहें तो आज 7 अप्रैल को सभी हमारे ज़िले में 4.25 लाख बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है।
और ये सभी अभिभावकों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि ये दो पूर्ण ज़िंदगी की ज़रूरत है बच्चों को। ये सभी माता पिता अपने जो नियरेस्ट केंद्र हैं, अपने रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, वहाँ पे आप इस तरह अपने बच्चे को अगर पल्स पोलियो को ड्रॉप पिलाएंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा। और आप लोग पल्स पोलियो को ड्रॉप पिलाइए, और स्वास्थ्य विभाग को भी जागरूक किया गया है कि इस अभियान को एक युद्ध स्तर पर करके सभी बच्चों को कवर भी करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ऐसे जो एरियाज, सभी क्षेत्रों में उनकी टीम जाएगी और करेगी। जिले में लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण गुरुवार से शुरू हुआ। यहां भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण में 5,000 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान संबंधी सभी बारीकियाँ मतदान दलों को बताई जा रही हैं। रविवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने मतदान दलों से ईवीएम वीवीपैट के संबंध में सवाल पूछे। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ एवं प्रशिक्षण के नोडल शिवम वर्मा भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो गई है, सभी की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है ईवीएम वीवीपैट पे, और ये ट्रेनिंग 10 तारीख तक चलेगी। और इसमें आपने सभी लोगों को प्रॉपरली सब लोगों को अच्छे से ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेनिंग के एंड में एक परीक्षा भी ली जा रही है। जो लोग परीक्षा में कमज़ोर रहते हैं उनको अगले दिन बुला के दोबारा ट्रेन किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के कर्मियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रविवार तड़के छापामार कार्रवाई की। इस छापे में अब तक लगभग 16 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह युग पारदर्शी का युग है और जो भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। छापे का जो परिणाम आएगा उससे कांग्रेस की सच्चाई पता चल सकेगी। देखिए, दरअसल क्या है कि आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यह युग पारदर्शिता का युग है। पारदर्शिता के युग में जो व्यक्ति भी गड़बड़ करेगा उस पर जनता की निगाह है, और निगाह रखने के लिए अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं। समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ आयकर विभाग करता रहता है। मुझे पूरा डिटेल उस मामले में मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कार्रवाई में आयकर विभाग ठीक प्रकार से कार्रवाई करेगा, और जो कुछ परिस्थितियां बनी हैं उससे निश्चित रूप से कांग्रेस की हैसियत ही प्रकट होती है। ग्वालियर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान मेयर विवेक सेजवलकर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सेजवलकर को टिकट मिलने के बाद अब विरोध के स्वर और भी तेज होना शुरू हो गए हैं। यहां भाजपा विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि वर्तमान उम्मीदवार की ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ मजबूत नहीं है, इसलिए पार्टी उनके टिकट पर दोबारा विचार करे और यहां किसी मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। मेरा मानना है कि ग्वालियर में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है वह अच्छा प्रत्याशी भी है, किंतु वह ग्वालियर शहर में उनकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा लोकसभा है। पोहरी, करेरा, ये भी विधानसभाएं ग्वालियर लोकसभा में आती हैं, और ग्रामीण का तबका अधिक है। तो मेरा मानना ये है कि जो प्रत्याशी की घोषणा की है उनका ग्रामीण तबके से अभी उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही वे ग्वालियर ग्रामीण के लोगों को या कार्यकर्ताओं को अभी तक जानते पहचानते हों। तो चूँकि ग्वालियर एक प्रसिद्ध सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा मानना है, मैंने पत्र के माध्यम से ये मांग की है कि एक बार ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र सीट पर विचार किया जाए और कार्यकर्ताओं का मन टटोला जाए और उस पर के बाद ही उचित विचार लिया जाए, ये मैंने अपनी पत्र के माध्यम से मांग रखी है। इस मामले पर जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जानकारी चाही तो उनका कहना है कि उनके समक्ष अभी किसी व्यक्ति ने ऐसी बात नहीं उठाई है और वर्तमान उम्मीदवार भारी मतों से लोकसभा चुनाव में विजयी होगा। नहीं नहीं, अभी तो किसी ने नहीं उठाया मेरे सामने। उनका कहना है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में उनका जनाधार नहीं है। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार चराचर में है। त्रिपुरा में हम कैसे जीते मालूम है आपको? ऐसे ही जीतेंगे। शहर के उपनगर क्षेत्र में स्थित कांच मिल में एक धागा फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका है। खास बात यह है कि एक महीने पहले भी फैक्ट्री में आग लग गई थी जिससे भारी भरकम नुकसान हुआ था। दोबारा रविवार तड़के आगजनी के बाद फैक्ट्री के कर्मचारियों
और आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास की फैक्ट्रियों को भी इस आगजनी के नुकसान हो सकता था। अब कुछ पता नहीं चल रहा है, शॉर्ट सर्किट वगैरह सुनने में समझ नहीं आ रहा है। किसी फैक्ट्री पे आपने धागे बना के आग कब लगी? सुबह जानकारी हुई, बड़े सुबह लगभग 8 बजे करीब। इससे पहले क्या लगी थी? हाँ जी, इससे पहले क्या लगी थी? हाँ, धोली के आसपास पहले लगी। लगभग कितना नुकसान हुआ? अभी कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, 10-15-20 लाख 20-25 लाख रुपये के आसपास तो हुआ। ये धागा फैक्ट्री है, इसमें आग लग गई थी, इसकी सूचना मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जन सहयोग से और पुलिस के सहयोग से इसमें आग बुझा दी गई है। नुकसान हुआ है, अभी अगर आग ना बुझाते तो आसपास की और फैक्ट्रियों में आग लग जाती। 4 दमकल गाड़ियां अभी मौके पर उपस्थित हैं और 2 गाड़ियां पानी का लेने के लिए रवाना हुई हैं। फैक्ट्री है या कोई अग्रवाल जी है उनकी फैक्ट्री है, और पिछली बार भी इन्हीं की फैक्ट्री में एक यूनिट में आग लग गई थी। काफ़ी मशक्कत के बाद उसको बुझाया गया था, काबू किया गया था आग पर। अभी फिर से हम लोग लगे हुए हैं और बुझा लीजिए। शिक्षा को वर्तमान परिवेश में कुछ लोगों ने व्यावसायिक दर्जा दे दिया है। हालात इतने घातक बनते जा रहे हैं कि शासन के आदेश व नियमों से हटकर स्कूल संचालक विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी मौन धारण किए हुए हैं। यहां आपको बता दें कि शनिवार को राष्ट्रीय छुट्टी होने के बावजूद भी डबरा के RLPS और होली क्रॉस स्कूलों में कक्षाएं लगी। जब इस संबंध में एस न्यूज संवाददाता ने विद्यालय प्राचार्य से विद्यालय संचालित होने को लेकर वजह पूछी तो उनका स्पष्ट कहना था कि उनके पास शिक्षा विभाग से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है जिससे विद्यालय की छुट्टी की जा सके। विद्यालयों के संचालक शासन के नियमों पर इतने भारी हैं कि वे यह कहने से भी नहीं चूकते कि प्रशासन हमारे विद्यालय को डोनेट नहीं करता है, इसलिए हम उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। हम उन्हीं आदेशों का पालन करेंगे जो हमारी कमेटी तैयार करती है। भूपेंद्र सिंह दांगी, होली कोदार से हम स्कूल दतिया से बच्ची को लेने आए। सभी सरकारी और स्कूल की अवकाश है आज, स्कूल की नहीं दी जा सकता। आपको बताया नहीं कि आज आते? नहीं नहीं, इनको कोई बल्कि मैसेज आया था आज कि आपको सुबह से आना है, टाइम चेंज हो गया आज से। कितने बजे का टाइम बताया? 7:45 से लेके 10 बजे तक का। 1 साल हो गया। अरे सुबह 7:45 7:45 सभी स्कूल बंद है सरकारी। आज मैसेज आया तो वो टाइम चेंज हो गया बस, इसका तो 7:45 से आए छोड़। कोई आदेश ऐसा विभाग की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ था मुझे, और आज सुबह ज़रूर स्कूल लगने के बाद फ़ोन आया था, चूँकि बच्चे आ चुके थे इसलिए उनको लौटाना संभव नहीं था। क्योंकि बच्चे ऑटो से आते हैं, कुछ भी पेरेंट छोड़ के सुबह स्कूल से पहले ही चले जाते हैं। कहाँ से मिले थे ये? किसी का फ़ोन आया था मुझे, ये आया था कि प्राइवेट का? अब ये मुझे नहीं मालूम। कोई शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हम सभी स्कूलों को सूचना दे चुके हैं, हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है अभी इसलिए। शहर में पानी की सप्लाई का सिस्टम बेपटरी हो गया है। नियमित सप्लाई देने के लिए बार बार तारीखें दे रहे नगर निगम के अफसर एक दिन छोड़कर भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। मोतीझील प्लांट से टंकियों से पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के कारण 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। तिगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लीकेज बंद करने के लिए किए जा रहे काम का असर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 2 लाख से ज़्यादा लोगों पर देखने को मिल रहा है। इलाके के जीवाजीगंज, कंपू, गोलपहाड़िया, गुड़ागुड़ी का नाका और पायगा क्षेत्रों में रविवार को तिगरा का पानी नहीं मिला और लोग पानी के लिए भटकते नजर आए। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, आज 5-6 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। हम लोग इतने ऊँचे पहाड़ी पे रहते हैं और पानी नहीं मिल रहा है। हम आज तो बिल्कुल ही पानी नहीं है, और टैंकर आ रहे हैं तो टैंकर उल्टे सीधे पैसे मांग रहे हैं, और हम लोग पैसा दे के भी फिर पानी ऊपर कैसे चढ़ाएं, रास्ता खराब है। 5-6 दिन हो गए। अच्छा, क्या समस्या आ रही है पानी की? पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा कि तुम। हाँ, क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहा पानी? जो कह रहे मंगल को आएगा पानी, लेन खराब है, टिगरा पे। दरअसल तिगरा के क्लियर वाटर टैंक में
दूसरे दिन भी रासायनिक उपचार होने के कारण शनिवार को इस टैंक में पानी नहीं भरा जा सका। चूंकि इसी टैंक से निकले सक्शन पाइप के जरिए दक्षिण क्षेत्र की टंकियां भरी जाती हैं, इसलिए जब ये टैंक भरेगा तभी टंकियों के लिए पानी छोड़ा जा सकेगा। ऐसे में लोगों ने स्टोर किए गए पानी का बीते दो दिन में भरपूर उपयोग कर लिया है, अब घरों में पानी का स्टॉक नहीं है। महापौर विवेक सेजवलकर का कहना है कि जल्दी सभी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी पहुँच सकेगा। देखिए पानी की समस्या जो अभी आई थी वो वहाँ पर तिगरा के जो ट्रीटमेंट प्लांट पर एक अर्जेंट रिपेयर वर्क के कारण आई थी। मैंने भी जाकर के वहाँ देखा था, वो जो क्लियर वाटर टैंक है उसके अंदर जो पाइप निकलते हैं और पंपिंग की ओर जाते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा लीकेज था, जिस कारण जो हमारे पंप्स थे वो पंप पानी में डूब कर उनके खराब हो जाने का खतरा था, इसलिए ये काम इमरजेंसी में करना पड़ा। मेरी जानकारी के हिसाब से काम पूरा हो चुका है और कुछ ही समय में वहाँ पानी की समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन के लिए मतदान जागरूकता अभियान के तहत कुछ रेलगाड़ियों को मतदान जागरूक के लिए तैयार किया गया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मतदाता जागरूक के लिए तैयार हिमसागर एक्सप्रेस रविवार को पहुंचे, जहां ग्वालियर स्टेशन पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीर रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए इस रेल को विभिन्न मतदाता जागरूकता के पोस्टरों एवं प्रचार सामग्री से सजाया गया है। ज्वाइंट अवेयरनेस किया गया है जिसमें हम लोगों के वोटर्स थे जो रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, एक कई प्रकार की जो स्वीप एक्टिविटीज़ किया थी उसका एक पार्ट ये भी है। हम उम्मीद करते हैं कि 12 मई को जब ग्वालियर वोट करेगा तो इस प्रकार के सभी इनिशिएटिव का फ़ायदा मिलेगा। सभी पैसेंजर्स को मोटिवेट किया, उनके सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। लोगों को शाकाहार के प्रति जागरूक करने और उन्हें नशीले पदार्थ के बुरे प्रभाव डालने के उद्देश्य से जय बाबा गुरुदेव के शिष्यों द्वारा रविवार को ग्वालियर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महाराजवाड़े से शुरू हुई इस जागरूकता रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए फूलबाग चौराहे पर जाकर समाप्त हुई, जहां बाबा गुरुदेव के शिष्यों ने लोगों से मांसाहार का त्याग कर सात्विक भोजन करने और शराब छोड़ने की अपील की। मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश से ये रैली आपकी निगाहों के सामने से शाकाहार का प्रचार, नशा मुक्ति का प्रचार कर रही है और ये कहना है कि आप मनुष्य मंदिर को आप चलता फिरता कब्रिस्तान शमशान न बनाएं। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी, आगे आने वाला समय बहुत ख़राब है। शाकाहारी हो जाएंगे तो आने वाली दुख तकलीफ मुसीबतों से आप लोग बच जाएंगे। बाबा जी का ये संदेश पूरे देश विदेश मान रहा है इसको, तो आप सब शाकाहारी और नशा मुक्ति की तरफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। नमस्कार, खबरों में इतना ही और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।